हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 7 का एपिसोड नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आयरिस के जरिए स्पीड फोर्स दोबारा जिंदा हो गई थी और फ्लैश को वापस से इसकी ऑर्गेनिक स्पीड मिल गई थी, जिसके बाद फ्लैश टीम ने ईवा मैकेलिक का सामना कर पूरे सेंट्रल सिटी को बचा लिया था, जहाँ ईवा वापस अपनी दुनिया यानी कि मिररवर्स में लौट गई थी। अब इससे आगे की कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत बैरी और आयरिस के रोमांटिक डिनर के साथ होती है, क्योंकि आखिरकार एक पूरा महीना मिररवर्स में गुजारने के बाद आयरिस आज अपने घर अपने पति के साथ थी। तभी यहाँ पर इन्हें एक भूकंप का झटका महसूस होता है। तब इनके स्टार लय वाले सैटेलाइट से इन्हें पता चलता है ये बस मामूली से झटके हैं, जिसे देख बैरी और आयरिस वापस से अपनी डिनर कंटिन्यू कर लेते हैं। तब हम व्यूअर्स को खिड़की के बाहर आसमान की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर लाइटनिंग थंडर हो रही होती है। वहीं अब अगली सुबह सभी फ्लैश टीम मिलकर ईवा मैकेलिक के अटैक के बाद सेंट्रल सिटी में नष्ट इमारतों को रिबिल्ड करवाने में व्यस्त होते हैं, क्योंकि ईवा द्वारा बनाए मिरर क्लोन्स ने काफी क्षति पहुंचा दी थी सिटी में। अब इन कामों के दौरान हम कैथलीन को देखते हैं, जिसका सिर काफी भारी भारी सा लग रहा होता है ईवा से फाइट के बाद। तभी यहाँ पर एलेग्रा को सिटीजन से आयरिस का मैसेज मिलता है, जिसे देख एलेग्रा सिटीजन पहुंचती है, जहाँ पर आयरिस मिररवर्स में फंसे लोगों का ओपिनियन जानकर एक आर्टिकल लिखना चाहती है अपने पेपर में। वहीं अब रात के वक्त जब सभी वर्कर कंस्ट्रक्शन एरिया से घर चले जाते हैं, एक वर्कर रुककर सारी चीजें चेक कर रहा होता है। तभी अब यहाँ पर एंट्री होती है काडाब्रा की। तो फ्रेंड्स, इसे हमने पिछले सीजन में देखा था साइविटार वाले वक्त में। काडाब्रा एक अबुल किस्म का जादूगर है। जहाँ पिछली बार हमने काडाब्रा को देखा था, तो ये फ्यूचर से पास्ट चोरी करने आया था, पर इस बार काडाब्रा के तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। ये पहले तो अपने जादुई ताश के पत्तों से यहाँ मौजूद एक वर्कर की जान ले लेता है और फिर गुस्से में यही मौजूद एक टेक को अपनी छड़ी से छोटा कर भाग निकलता है, जिसके बाद अगली सुबह इस क्राइम सीन पर सीसीपीडी फोर्स के सहित फ्लैश टीम भी पहुंचते हैं, जहाँ पर डेड बॉडी पर ताश के पत्ते देख ये लोग समझ जाते हैं कि ये सारा काम काडाब्रा का है। तब ये लोग सोचने लगते हैं यहाँ से कोई चीज गायब नहीं है, बल्कि काडाब्रा ने तो एक बेकसूर शख्स की जान ले ली। आखिर इस पर काडाब्रा के मन में चल क्या रहा है। तो दूसरी तरफ आयरिस अपना आर्टिकल लिखने के लिए उस पब्लिक ग्रुप में जाती है, जहाँ पर लोग सभी मिररवर्स में फंसे थे। वो अपनी आप बीती जनता के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर इन बातों को सुन आयरिस को अपना वक्त याद आ जाता है और वो यहाँ के हेड स्टीफन का इंटरव्यू लेने के बजाय हड़बड़ी में यहाँ से निकल जाती है। वही अब आगे स्टार लैम सैटेलाइट के जरिए आखिरकार सिस्को और चेस्टर को काडाब्रा का करंट लोकेशन मिल जाता है, जिसे देख अब सिस्को फ्लैश के साथ काडाब्रा के पास पहुंचता है, जहां फ्लैश पहुंचते ही काडाब्रा के हाथों को पावर डंपरिंग कप से लॉक कर देता है। तब काडाब्रा ऐसा सो करता है जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकता है। अब इधर सिस्को और फ्लैश खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी काडाब्रा हंसते हुए अपने जादू से अपना लॉक निकाल कर फ्लैश के हाथों को लॉक कर देता है और फिर सिस्को पर वार कर गिरा कर जैसे ही फ्लैश की जान लेने की कोशिश करता है, साइड से हमारी आइस क्वीन आ जाती है, जो आते ही काडाब्रा की जादुई छड़ी को जमा देती है और फिर ये लोग बड़े ही आसानी से काडाब्रा को पकड़कर आर्गस के हवाले कर देते हैं, जहां पर आर्गस के ऑफिसर आकर काडाब्रा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद इधर फ्रोस्ट सिस्को को बोलती है इसका सिरदर्द बढ़ते ही जा रहा है, जिसे सुन सिस्को फ्रोस्ट के साथ स्टार लैब आकर इसके माइंड चेक करता है। तब सारे रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होते हैं, पर फ्रोस्ट को ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम जरूर है इसके साथ। वही अब आगे हम काडाब्रा को देखते हैं, जो कि बड़े ही आराम से आर्गस के ऑफिसर्स के साथ आर्गस में प्रवेश करता है और फिर अचानक से कॉरिडोर में रुक बड़े ही आसानी से इनके लॉक से खुद को आजाद कर लेता है और दूसरी ओर हॉल की तरफ चला जाता है, जैसे मानो आर्गस में कुछ ढूंढ रहा हो। तो दूसरी तरफ अब हम हमारे बैरी को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी आयरिस को फ्रेश फील करवाने के लिए ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी आर्गस से इसे काडाब्रा के आजाद होने का मैसेज आता है, जिसे देख हमारे बेचारे हीरो को बेमन अब आर्गस जाना पड़ता है। अब यहाँ फ्लैश कुछ करे इससे पहले काडाब्रा इसे एक खास किस्म के मेटालिक चेन से बांध देता है, जिसमें कि जितना फ्लैश हिलने की कोशिश करेगा चेन इसे टाइट करते जाएगी। अब फ्लैश को इस तरह बांध कर काडाब्रा आर्गस में मौजूद टेक को एक साथ मर्ज कर एक खास किस्म का बॉल तैयार करता है और फिर फ्लैश को बोलता है, तुमने मुझसे मेरा सब चीज छीन लिया ना, अब खोने की बारी तुम्हारी है। बहुत प्यार है ना तुम्हें इस सिटी और यहाँ के लोगों से, अब देखो मैं इनका क्या करता हूँ। अब बेचारा फ्लैश यहाँ समझ ही पाता कि आखिर काडाब्रा किस बारे में बात कर रहा है। तब तक काडाब्रा इस बॉल को लिए यहाँ से भाग निकलता है, जिसे देख फ्लैश भी यहाँ अब खुद को आजाद कर स्टार लैब आता है, जहाँ पर चेस्टर काडाब्रा की लोकेशन जब चेक करने की कोशिश करता है,
इसे पता चलता है काडाब्रा एक बॉल लिए पूरे सिटी में अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से घूम रहा है। और जब सिस्को काडाब्रा के हाथ में बॉल को स्कैन करता है तो ये दरअसल एक एंटी मैटर बॉम्ब होता है जिसे काडाब्रा पूरे सिटी में घूम घूम कर चार्ज कर रहा होता है, जो कि अब तक 47% चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पर एंटी मैटर का नाम सुन सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्राइसिस में इसी एंटी मैटर के कारण बहुत सारे अर्थ गायब हो चुकी थी। तब सिस्को सबको बताता है चूंकि इस बॉल की साइज छोटी है, इससे काडाब्रा ज्यादा से ज्यादा इस सिटी तक को गायब कर सकता है। अब ये सुन बैरी को ये समझ में आता है कि काडाब्रा जानबूझकर इनके हाथ लगा था ताकि वो आर्गस में आसानी से एंट्री पा सके, यानी कि ये सब काडाब्रा का शुरू से ही प्लान था। पर वो आखिर फ्लैश से बदला लेने के बारे में बात क्यों कर रहा है? क्योंकि पास्ट में फ्लैश ने तो काडाब्रा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। अब इन बातों को सोचते हुए बैरी शांति से स्पीड लैब में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर आइरिस आकर बैरी को संभालती है। तब इनकी बातों के दौरान बैरी को याद आता है कि जब पिछले सप्ताह आइरिस बैरी के पास नहीं थी, इसे ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो इसने सब चीज अपना खो दिया। तो कहीं काडाब्रा भी किसी अपने की बात तो नहीं कर रहा है ना, जिन्हें कुछ हो गया है और वो उसकी वजह फ्लैश को मान रहा है। तब बैरी फट से अपनी टीम के पास आता है, जहाँ पर सिस्को एक गैजेट तैयार कर रहा होता है जिससे कि इन्हें काडाब्रा के मेमोरी से ये पता चल सके कि आखिर वो किस वजह से इतने गुस्से में है, जिसे लेकर फ्लैश अब काडाब्रा के पास पहुँचता है, जहाँ पर काडाब्रा पूरे गुस्से में होता है और वो अपने दिमाग में अपने परिवार के बारे में सोच रहा होता है। तब यहाँ फ्लैश भी सिस्को द्वारा दी गैजेट को ऑन करता है, तो इसमें काडाब्रा के मन में चल रही यादें भी दिखाई पड़ने लगती है। अब ये इन्हें देख फ्लैश को याद आता है कि चूंकि क्राइसिस में न्यू ब्रह्मांड बनी थी, उसमें बहुत सारे अर्थ गायब होने के साथ साथ बहुत सारे लोग भी गायब हुए थे और काडाब्रा की पत्नी और बेटा भी उन्हीं गायब लोगों में शामिल है। पर काडाब्रा को ऐसा लगता है क्राइसिस में जो भी चीज हुई है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि फ्लैश है। इसी की वजह से काडाब्रा ने अपनी फैमिली खो दी और इसलिए फ्लैश से बदला लेने के लिए काडाब्रा पूरी सिटी को ही गायब करने का मन बना लिया है। अब यहाँ पर पूरी बात समझने के बाद फ्लैश काडाब्रा को समझाता है कि इसमें फ्लैश की कोई गलती नहीं है। और तो और काडाब्रा जैसे अपनी फैमिली खोई है, फ्लैश ने भी अपना जिगरी दोस्त ओलिवर क्वीन को खो दिया है। जिसे सुन अब काडाब्रा रोते हुए अपना गुस्सा शांत कर इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, जिसे देख फ्लैश अब काडाब्रा के साथ नई शुरुआत करने के इरादे से जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है दोस्ती के लिए, इन्हें एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस होता है और इसी के साथ इनके तरफ एक मॉन्स्टर आती है जिसका आकार बड़ा होता है और देखने में ये कोई पुराने वक्त की अर्ली मैन यानी कि आदि मानव जैसी दिखती है, जो कि आते फ्लैश को एक घूसा मार दूर फेंकती है। तब काडाब्रा इस मॉन्स्टर को भगाने के लिए वापस एंटी मैटर को एक्टिवेट कर इस बॉम्ब से इस मॉन्स्टर को भगाने की कोशिश करता है, जिससे कि यह मॉन्स्टर बड़े ही आराम से अपने हाथों में पकड़ पानी से भरे गुब्बारे की तरह फोड़ देती है और इसके अंदर से निकले एंटी मैटर से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये गुस्से में आकर काडाब्रा को जान से मार देती है। अब काडाब्रा की मौत अपने आंखों के सामने देख फ्लैश अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस मॉन्स्टर पर लाइटनिंग वोल्ट से वार करता है, पर इससे भी इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर फ्लैश को अपने हथेली में पकड़ जोर से इसे जकड़ कर पूरी इसकी हड्डियों को तोड़ कर नीचे फेंक कर अब यहाँ से चली जाती है। तब किसी तरह फ्लैश वापस से स्टार लैब आता है अपनी हीलिंग पावर से ठीक होता हुआ, जहाँ पर बाकी सभी टीम मेंबर काफी परेशान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज थी जिस पर एंटी मैटर तक का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके अब अगली सुबह आइरिस अपने डर का सामना करते हुए अपनी मिरर वर्स वाली आप बीती भी जनता के सामने शेयर करती है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में सिस्को जब अपने लैब में बैठा होता है, पीछे से कैथलीन आती है और सिस्को को बोलती है इसे कुछ दिखाना है, जिसे सुन जब सिस्को पीछे मुड़ता है ये दंग रह जाता है, क्योंकि कैथलीन और फ्रोस्ट अब एक दूसरे से अलग हो चुकी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।